इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास टेंथ एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इजी तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू वन बाई थ्री बी सी प्रूव दैट इन ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन ए बी स्क्वायर अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है यहां पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं. अब इस ट्राइंगल में बी सी साइड पर एक पॉइंट है डी सच दैट बी डी इज इक्वल टू वन बाई थ्री बी सी और हमें ये प्रूफ करना है दाइन ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू है क्वेश्चन समझ में आ गया अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी को ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसके बाद इसके बेस से हम एक अल्टीट्यूड को हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम थ्योरम अप्लाई करेंगे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं नाउ लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड इज इक्वल टू ए तो ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी हर साइड की लेंथ है ए ठीक है अब यहां पर एक पॉइंट है डी तो हम ए और डी को आपस में मिला देते हैं नाउ लेट्स ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन बी सी तो यहां बी सी पर एक पॉइंट लेते हैं ई e, और इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट ए से होके जाए नाव ए ई इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी ठीक है अब जैसा कि हम जानते हैं दैट एल्टीट्यूड इन एन इक्वल्टरल ट्राइंगल बाइसेकट द अपोजिट साइड यानी ये जो पॉइंट है ई e, ये इस साइड को बाइसेट करेगा देफ बी ई ज इक्वल टू सी इज इक्वल टू बी सी बाई टू यहां पे देखिए बी ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू बी सी बाई टू एंड दैट इज इक्वल टू ए बाई टू तो ये लेंथ ए बाई टू हो जाएगी और ये लेंथ भी ए बाई टू हो जाएगी ठीक है नाउ इन राइट ट्राइंगल ए बी दोस्तों इस ट्राइंगल को देखिए ट्राइंगल ए बी में ये साइड है ए ये साइड है ए बाई टू और ये साइड हमको नहीं पता है तो दो साइड हमें पता है तो तीसरी साइड की हम वैल्यू निकाल सकते हैं देखो ए बी स्क्वायर यहां पे देखिए ए बी स्क्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर ठीक है बाय पाथागोरम नाव ए बी की वैल्यू है ए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए की वैल्यू हमें पता नहीं है और be की वैल्यू है ए बाई टू अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहां पे ए स्क्वायर e हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी थ्री ए स्क्वायर बाई फोर दे ई इज इक्वल टू इसका पूरा स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आएगा ए स्क्वायर रूट से फोर बाहर आ जाएगा तो आएगा टू और थ्री जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू ए तो ए e की वैल्यू आ गई रूट थ्री बाई टू हम ए e की वैल्यू लिख लेते हैं तो इतना समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ गिवेन बी डी इज इक्वल टू वन बाई थ्री बी सी यहां पर दिया गया है अब बीसी की वैल्यू क्या है बीसी की वैल्यू है ए तो बी डी की वैल्यू हो जाएगी ए बाई थ्री ठीक है अब देखिए ये वैल्यू है ए बाई थ्री और ये वैल्यू है ए बाई टू तो ए बाई टू में से ए बाई थ्री लेस कर देंगे तो हमें डीई e की वैल्यू मिल जाएगी देफो डीई इज इक्वल टू बी ई माइनस बी डी ठीक है यहां पे देखिए बीई माइनस बी डी तो ये हो जाएगा ए बाई टू माइनस ए बाई थ्री ठीक है अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ए बाई सिक्स तो DE की वैल्यू आ गई ए बाई सिक्स ना इन राइट ट्राइंगल ए डीई को देखिए अब इसमें हम थ्योरम अप्लाई करेंगे यहां पर DE की वैल्यू है ए बाई सिक्स एई की वैल्यू है रूट थ्री बाई टू ए तो हमें ए डी की वैल्यू मिल जाएगी देयरफॉर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर e अब ए e की वैल्यू क्या है ए e की वैल्यू है रूट थ्री बाई टू ए और डीई e की वैल्यू है ए बाई सिक्स अब इन सबका स्क्वायर कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहां पर इसकी वैल्यू आएगी थ्री ए स्क्वायर बाई फोर प्लस ए स्क्वायर बाय थर्टी सिक्स अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी सेवन ए स्क्वायर बाई नाइन अब देखिए आप लोग क्लास टेंथ में आ गए हैं तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं आपसे कि इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो उसके बाद ये टर्म आ जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पर इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर हो जाएगा नाइन ए डी स्क्वायर टू सेवन ए स्क्वायर ठीक है अब ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा नाइन ए डी स्क्वायर टू सेवन ए बी स्क्वायर और दोस्तों देखिए यही हमको प्रूफ karma